नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कार्मिक विभाग से लेटेस्ट न्यूज़ है। 12 जुलाई 2023 की न्यूज़ है। समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव विशेष शासन परिपत्र दे रखा है। विषय दे रखा है समस्त भर्ती परीक्षा में एक बारी पंजीयन प्रणाली में संशोधन के संबंध में। कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2023 द्वारा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षा अभ्यर्थों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के पश्चात वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्न अनुसार एक बार की पंजीयन शुल्क जमा कराना निर्धारित किया गया है। सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थी ₹600, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ₹400 और दिव्यांगजन के अभ्यर्थी ₹400। समस्त नियुक्ति प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया के तहत एक बारी पंजीयन प्रणाली में संबंधित वर्ग हेतु एक बारी निर्धारित शुल्क देने के बाद अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कराए गए वर्ग कैटेगरी के पंजीयन में त्रुटि संशोधन हेतु कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। उक्त सहमति वित्त व्यय 2 विभाग ID संख्या 16-230-13-76 दिनांक 11 जुलाई 2023 के अनुसरण में जारी की जाती है। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है और अगर किसी कारण से फॉर्म में त्रुटि हो जाती है, त्रुटि संशोधन के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये परिपत्र गवर्नमेंट ने जारी कर दिया गया है। यानी अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से फॉर्म भरते हुए त्रुटि हो जाती है और त्रुटि सुधार के लिए, करेक्शन के लिए दोबारा पैसा लगता है, वो पैसा अब नहीं लगेगा। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से केवल फॉर्म भरने का पैसा लगेगा, जनरल के ₹600 और आरक्षित वर्ग के ₹400 और दिव्यांगजन के भी ₹400। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।